सलमान खान इतिहास के किस किरदार की बायोपिक बनाना चाहते हैं और इस हिस्टोरिकल बायोपिक में वो किसका रोल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। इन दिनों भारतीय सिनेमा में खूब बायोपिक और हिस्टोरिकल फिल्में बनाई जा रही हैं। हर बड़ा सितारा बायोपिक के नाम पर तैयार खड़ा है। शायद वो जानता है कि असल जिंदगी की जो कहानियां प्रचलित हैं वो लोग बड़े पर्दे पर देखना भी चाहते हैं, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। बायोपिक फिल्मों की पब्लिक सिटी भी बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि दर्शक इतिहास के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। तो वहीं इसी रेस में अपने भाईजान दबंग खान यानी कि सुल्तान, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो सलमान खान ने बताया कि वो भी एक हिस्टोरिकल किरदार को पर्दे पर उतारने की इच्छा रखते हैं। जब भाईजान की इच्छा है तो वो किसी न किसी दिन पूरी हो ही जाएगी। अपनी आने वाली फिल्म के इंटरव्यू में उन्होंने बताया, इन दिनों भारतीय सिनेमा में हिस्टोरिकल फिल्में भी खूब बन रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। इसीलिए मुझे भी इतिहास का एक किरदार बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। उसका नाम है चंगेज खान, जिसकी बायोपिक करना चाहूंगा या कहूँ तो हिस्टोरिकल किरदार निभाना चाहूंगा। तो मैं चंगेज खान का किरदार पर्दे पर निभाना चाहता हूँ। मंगोलियाई नाम चंगेज खान, सन 1162 से 18 अगस्त 1227, वो एक मंगोल शासक था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा है। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। तो चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई एवं 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए चंगेज को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम था बोगू रचू था। उसका सगा भाई जम्मू का भी उसके साथ ही रहता था। जम्मू का हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तक एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। मंगोल योद्धाओं ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए और उसने धरती की 22% जमीन अपने नाम कर ली। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सलमान खान इस फिल्म को पब्लिकली कब अनाउंस करेंगे और चंगेज खान की इतनी बड़ी जीवनी को वो 3 घंटे की फिल्म में कैसे उतार पाएंगे। सूत्रों की माने तो सलमान खान हो सकता है कि ये फिल्म ना बनाकर वो इस पर वेब सीरीज बनाए। तो दोस्तों ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाईजान तो चंगेज खान का किरदार निभाएंगे, लेकिन उनके भाइयों के रूप में कौन कौन होंगे, उनकी बीवी के रूप में कौन होगा और उनके अपोजिट किसको कास्ट किया जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी और एक कहानी भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सलमान खान को हिस्टोरिकल बायोपिक ड्रामा फिल्म करनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।